नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के आया यू पी प्लस एग्जाम में आने वाले GK GS के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं, और आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई बहन का भला हो सकता है। तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, तो ये राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बारहमासा के रचनाकार कौन थे। तो बारहमासा पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा किस युद्ध में किया गया, तो ये किया गया था बजौरा एवं भेरा का युद्ध में तोप का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इटली का यात्री निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो निकोली कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मंगला कि अष्ट दिग्गज क्या थे। तो अष्ट दिग्गज क्या थे, तो अष्ट दिग्गज थे तेलुगु के 8 विद्वान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, तो इन चारों में से कौन सा वो मुगल शासक था जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, तो वो रखता था हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। तो मनसबदारी प्रथा को किसने लागू किया था, तो ये लागू किया था हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंग्रेजी यात्री रॉल्फ पिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो अंग्रेजी यात्री रॉयल पिच किस मुगल दरबार में आया था, अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे, मीराबाई के गुरु कौन थे, तो रैदास हैं ये मीराबाई के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगनी का फारसी में अनुवाद कराया था। तो राज तरंगनी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो ये करवाया था जैन उल अबदीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था, यानी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कब की गई, तो ये स्थापना की गई थी 1504 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म, इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कबीर दास सुल्तान के समकालीन थे। तो कबीर दास वो किस सुल्तान के समकालीन थे, तो ये समकालीन थे सिकंदर लोदी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था। तो ये सिक्का किसने जारी किया था शुद्ध चांदी का, तो ये जारी किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो अद्वैतवाद के संस्थापक, इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शेर शाह का मकबरा कहाँ में स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फारसी यात्री अब्बुर रजक किस शासक के दरबार में आया था? तो फारसी यात्री अब्बुर रजक किसके शासनकाल में आया था, फिर किसके दरबार में आया था? तो ये आया था देवराज द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम किसके दरबार में रहते, तो ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हजारा मंदिर इसका निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? तो किसे पराजित किया था अकबर ने? तो अकबर ने पराजित किया था हेमू को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब अगला कि स्वप्न बागदत्ता के लेखक कौन हैं? तो स्वप्न बागदत्ता तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बारा मिहिर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है अंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता? तो ये जाना जाता है कृष्णदेव राय को, अंध्रभोज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था पुर्तगाल यात्री डोमिंग पायस? तो यह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो अकबर ने जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया था गुजरात विजय की याद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला है कि आपके सामने कि जप्ती प्रणाली किसने शुरू किया? तो जप्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था ये आपको बताना है। तो ये शुरू किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने जप्ती प्रणाली का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर का राज्य कवि कौन था? तो अकबर का राज्य कवि कौन था? तो अकबर है इसका राज्य कवि था फैजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास हैं वो अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो जो अकबर हैं सॉरी बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था
अब्दुल रहीम खान खाना ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था। तो शेरशाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्लस भी क्वेश्चन सही कर लिए तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक बेहतरीन मार्ग में चल रही है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।